दोस्त, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूं, जहां एक युवक दोपहर 2 बजे अपनी ही जवान खूबसूरत चाची को अर्धनग्न अवस्था में देखकर बेकाबू हो गया और पहुंच गया अपनी चाची के पास। उसके बाद जो हुआ आपको देख लो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऐसे अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों, ये चढ़ती जवानी और बेलगाम हवस की कहानी राजस्थान के अलवर जिले से निकलकर सामने आई है। दरअसल यहाँ मीरा अपने शादी के बाद जब ससुराल पहुँची तो जवान हिंदसम भतीजे गोविंद को देखकर मन मस्त हो गई और उसके मोटे लंबे पप्पू को अपने मैदान में उतारकर 61-62 गेम खेलने के लिए बेताब हो गई, क्योंकि उसका पति शंभू उसके मन मुताबिक 61-62 गेम नहीं खेल पा रहा था। इसलिए एक दिन पत्नी मीरा ने अपने ही भतीजे गोविंद को अपने मैदान में उतारने के लिए योजना बना डाली और प्लान के तहत दोपहर 2 बजे जब भतीजा गोविंद घर पर था तो उसकी चाची मीरा नहा धोकर अपने बेडरूम में आकर दरवाजे के सामने खड़ी होकर कपड़े बदलने लगी। इतने में पीछे से उसका भतीजा गोविंद वहां पर पहुंच गया और जवान खूबसूरत चाची को अर्धनग्न अवस्था में कपड़े चेंज करते हुए देख लिया। अब जैसे ही भतीजा गोविंद अपनी चाची मीरा को अर्धनग्न अवस्था में कुछ देर तक देखा तो वे देखते ही बेकाबू हो गया और बेकाबू होकर अपनी चाची मीरा को गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया और 61-62 करने लगा। चाची मीरा तो पहले से ही अपने जवान भतीजे गोविंद के साथ 61-62 गेम खेलना चाहती थी, इसलिए वे कुछ नहीं बोली और उसका साथ देने लगी। अब जैसे ही भतीजा गोविंद अपनी चाची मीरा का साथ पाया तो वैसे ही वे अपने फुल मूड में आ गया और लगातार चाची के ग्राउंड में बैटिंग करते हुए धक्के पर धक्का और छक्के पर छक्का मारने लगा। इस बीच करीब 2 घंटे चले प्रोग्राम के बीच चाची मीरा अपने भतीजे गोविंद के परफॉर्मेंस से इतनी खुश हो गई कि वे उसे दिन की बजाय अब रात में भी 61-62 गेम खिलाना शुरू कर दिया। इस तरह चाची और भतीजे का प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ता गया और एक दिन इतना परवान चढ़ गया कि चाची और भतीजे दोनों बिना किसी भय के एक दूसरे के बाहों में आकर 61-62 गेम खेलना शुरू कर दिया। मगर कहते हैं दोस्तों, बुराई पर कितना भी पर्दा डाल लो, सच्चाई तो एक ना एक दिन जरूर निकल कर सामने आती है। ठीक ऐसे ही हुआ एक रात जब चाची मीरा अपने पति के सोने के बाद जवान भतीजे का बिस्तर गर्म कर रही थी, तभी अचानक उसके पति की आंख खुल गई और वे पत्नी को बिस्तर पर ना पाकर उसे खोजने लगा और खोजते खोजते जवान भतीजे गोविंद के रूम के पास पहुँच गया, जहाँ उसकी पत्नी का भतीजे गोविंद के साथ 61-62 वाला प्रोग्राम चल रहा था। अब जैसे ही मीरा के पति ने मीरा को जवान भतीजे गोविंद के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो वह तुरंत गुस्से से आग बबूला हो गया और दोनों को जोर जोर से डांटने लगा। पति के गुस्से को देखकर पत्नी मीरा और उसके भतीजे गोविंद दोनों डर गए और डर कर उसी वक्त उसी रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। फिर क्या था, जैसे ही भतीजा गोविंद अपने रूम का दरवाजा खुला और उसका चाचा उसके रूम के अंदर प्रवेश किया तो वैसे ही दोनों दरवाजा बंद करके गमछे से उसकी गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। जब सुबह ही इसकी भनक परिजनों को लगी तो उन्होंने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल करते हुए दोनों आरोपियों चाची और भतीजे को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया। तो दोस्तों, आप आपराधिक मानसिकता को समझें और आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों से हमेशा दूर रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें।